हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ PSL 2020 में खेले जा रहे 11वें मुकाबले के बारे में, जो कि होने वाला है लाहौर कलंदर्स और पेशावर जालमी के बीच में। तो इस मुकाबले की काफी ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों ही टीमें PSL 2020 में काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रही है, और इन दोनों ही टीमों के पास कुछ ऐसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं जो इनके प्लेइंग कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं और काफी धमाल मचाने के लिए दिखाई दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मैदान मैच के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को ये भी जानने के लिए मिलेगा कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियो की और आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियो का। तो आइए दोस्तों समय को ना जाया करते हुए अब जरा बात कर लेते हैं PSL 2020 में खेले जाने वाले इस 11वें मुकाबले के बारे में, जो कि होने वाला है लाहौर कलंदर्स और पेशावर जालमी के बीच में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मुकाबला आज शाम को 8:30 भारतीय समय अनुसार रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोस्तों इस मुकाबले की वेदर कंडीशन के बारे में बात की जाए तो बारिश इस मुकाबले में थोड़ा बहुत ज्यादा बाधा डाल सकती है, दोनों ही टीमों को बारिश के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड की पिच हमेशा से ही फास्ट बॉलरों के लिए मददगार साबित रही है। इस ग्राउंड पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 171 रन है। इस ग्राउंड पे खेले गए कुल 5 मुकाबलों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीतने में सफल रही है, जबकि चेजिंग करने वाली टीम को 3 मुकाबलों में जीत दर्ज हुई है। तो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है इस मैदान पर हमें हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। आइए दोस्तों समय को ना जाया करते हुए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ पेशावर जालमी और लाहौर कलंदर के बीच होने वाले इस मुकाबले की दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। दोस्तों पिछले मुकाबले के बाद दोनों ही टीमों ने अपने टीम में कुछ खास ज्यादा बदलाव नहीं कर सकती है, तो उनकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। अगर दोस्तों लाहौर कलंदर की बात की तो लाहौर कलंदर के लिए मैं पहले नंबर पर कप्तान सोहेल अख्तर, दूसरे पर क्रिस लेन, तीसरे पर फखर जमन, चौथे पर मोहम्मद हफीज, पांचवें पर बेन डंग विकेटकीपर बल्लेबाज, छठे नंबर पर समित पटेल, सातवें पर डेविड वीसी, आठवें पर हैरिस रोव, नौवें पर उस्मान शेनवारी, दसवें पर शाहीन अफरीदी और 11वें पर दिलवर हुसैन। दोस्तों पेशावर जालमी की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो नंबर 1 पर टॉम बेंटन, नंबर 2 पर विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल, नंबर 3 पर लियम लिविंगस्टोन, नंबर 4 पर हैदर अली, नंबर 5 पर शोएब मलिक, नंबर 6 पर कप्तान डेरिन समी, नंबर 7 पर लियम डोजन, नंबर 8 पर मोहम्मद मोशिन, नंबर 9 पर वहाब रियाज, नंबर 10 पर हसन अली और नंबर 11 पर राहत अली। दोस्तों ये थी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अगर हम की प्लेयर्स की बात करें दोनों ही टीमों की और कलंदर्स की ओर से हमें फखर जमन के बल्ले से रन निकलते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों पेशावर जालमी की बात करें तो पेशावर जालमी की ओर से अच्छे फॉर्म में दिख रहे कामरान अकमल के बल्ले से काफी तूफानी बारी देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपना आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोज की, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे सारी वीडियोज को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।